हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम पुलाव बनाना सिखाएंगे। इसके लिए पहले चाहिए बासमती चावल और हम लिए हैं अदरक के पेस्ट, हल्दी और शाही गरम मसाला और हम लेंगे छोटा इलायची, दालचीनी और लौंग, तेजपत्ता और मुझे चाहिए किशमिश, काजू और घी। अब चावल को एक घंटा तक पहले भिगा के रखे हैं, उसको हम छान दिए हैं। उसके बाद हम ये सब मसाला इसके साथ मिलाएंगे। पहले अदरक मिलाते हैं, फिर उसके बाद हल्दी और शाही गरम मसाला मिला देंगे। उसके बाद हम सब मसाला मिला के इसमें नमक भी मिलाएंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से चम्मच से चलाएंगे। अब हम आधा घंटा इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब कढ़ाई में घी डालेंगे। उसके बाद घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, हम एक एक खड़ा गरम मसाला डालेंगे। अब कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है, इसमें तेजपत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी सब एक एक करके डाल देंगे। अब हम किशमिश, काजू को भी डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बंगाली में इसको मीठा पुलाव बोलते हैं या बासंती पुलाव बोलते हैं। ये जो हम आधा घंटा ये चावल को रखे थे, इसको हम अब कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। यह अब हो चुका है, थोड़ा सा फ्राई हो गया है, येलो येलो भी हो गया है। हम इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे 2-3 चम्मच तक, और उसके बाद हम गर्म पानी करके रखे हैं, गर्म पानी डाल देंगे। हम ज़्यादा मीठा नहीं लेते हैं, इसलिए हम कम चीनी डाले हैं। ज़्यादातर बंगाली घरों में इसे ज़्यादा चीनी डाला जाता है। अब हम 2 कप गर्म पानी डालेंगे, क्योंकि हम 1.5 कप चावल लिए थे और मेरे नाप के अनुसार हम 2 कप ही डालेंगे। हम 3 मिनट्स तक इसको ढक के रखे थे, अब हम खोल के देखेंगे।
आप मेरे पुलाव बन चुका है, इसको बासंती पुलाव, योलो पुलाव, मीठा पुलाव कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए पूरा मेरा हो गया है, आप हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और ये आप सिर्फ ऐसे भी ले सकते हैं और दम आलू के साथ भी ले सकते हैं। ये ज़्यादातर पूजा के टाइम में, त्यौहार के टाइम में ये बंगाली घरों में बनता है। मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो मुझे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। मैं और भी अच्छा से रेसिपी लाऊंगी।